चलिए तीसरी कुंडली की चर्चा हम लोग करते हैं, और ये है लक्ष्मी पाल जी है, ये अपनी बेटी की कुंडली दिखाना चाहते हैं। जन्म तारीख है 11/7/2000, जन्म समय है 3 बजकर दोपहर 3 बजे, जन्म स्थान है रुड़की उत्तराखंड। प्रश्न है इनका गवर्नमेंट जॉब नौकरी कब तक, और इन्होंने ये प्रश्न भी किया था कि विवाह कब तक कैसा, लेकिन हमने कहा था कि हम एक ही प्रश्न को लेंगे करके। तो चलिए देखते हैं, इनका तुला लग्न है, आज लगता है तुला लग्न की बाढ़ आ गई है, तुला लग्न वाले ही आ रहे हैं। तुला लग्न की कुंडली है, लग्नेश जाकर के कर्म भाव में बैठा हुआ है, कर्म भाव का मालिक लग्न में बैठा हुआ है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जॉब के लिए, ठीक। और देखिए सबके सब ग्रह इधर आकर के बैठे हुए हैं। जब लग्नेश और कर्मेश का परिवर्तन होता है तो ऐसे व्यक्ति को मैं आंख बंद करके सलाह देता हूं, आप नौकरी नहीं, आप बिजनेस कीजिए, क्योंकि आपके लग्न में बल है। लग्न में जब बल हो जाता है तो इंसान मालिक बन करके पसंद करता है जीना, ना कि नौकर बन करके, ठीक है। तो वो उनकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लग्नेश और कर्मेश का परिवर्तन है, तुला लग्न आपको मैंने बताया वायु तत्वी लग्न है, और इनका तो राशि भी तुला बन गया है। ये शुक्र के साथ परिवर्तन, भोग ऐशोआराम आर्ट के पीछे ये इनको आर्ट भी कुछ ना कुछ इनको आता होगा, डिजाइनिंग वगैरह, इंटीरियर डिजाइनिंग हम बोल सकते हैं, ये सब चीज है इनके में। तो इनको आर्ट के तरफ जाना चाहिए, और बिजनेस भी करें तो आर्ट की तरफ ही करना चाहिए, डिजाइनिंग की तरफ करना चाहिए। इनका भाग्य भाव में ही बुध बैठा हुआ है वक्री होकर के, लेकिन अस्त है, मंगल भी बैठा हुआ है, सूर्य मंगल भी साथ में बैठा है, ये गजब का हो गया। देखिए पति भाव का मालिक मंगल बनता है और आय भाव का मालिक सूर्य बनता है, दोनों कंजक्शन में भाग्य भाव में गया है, मतलब विवाह के बाद में विशेष उन्नति की बात हम कहेंगे। अब इन्होंने विवाह के बारे में पूछा है, तो चलिए नौकरी कब तक, नौकरी कब तक इसका उत्तर हम पहले दे देते हैं। शनि का महादशा है, देखो शनि की महादशा में शनि पंचमेश बनते हैं, पंचमेश जाकर के अष्टम भाव में बैठा है, ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन शनि अष्टम का कारक होता है, गुरु के साथ में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, उतना बुरा नहीं कहेंगे। शनि में गुरु की महादशा है, 2025 तक से है, और गुरु यहाँ का पराक्रम भाव का मालिक और छठे भाव का मालिक बन करके शनि के साथ में कंजक्शन होकर के बैठा हुआ है, मतलब गुरु यहाँ का फल देगा, व्यय भाव का फल देगा, और ये धन भाव का फल देगा, और ये सुख भाव का फल ये गुरु देगा। परंतु क्या गुरु जॉब दे सकता है, ये पहले देख लेते हैं। भाव को देखें तो अभी वर्तमान में गुरु यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। और कर्मेश बने हैं, ये चंद्रमा शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, भाव सिद्धि तो हो नहीं रही है, तो जॉब को तो डिले ही बोलेंगे ये, शायद तक से, शायद नहीं मैं कंफर्म ही कह दूं कि आपको 2025 के बाद से ही जॉब लगना चाहिए, 25 के बाद से, 2025 के बाद में जॉब का योग बनता है। परंतु विवाह का योग अगले साल बन रहा है, विवाह का योग अगले सीजन जो आएगा उसमें आपका बन रहा है, क्योंकि वहां जब गुरु मतलब ये गोचर यहाँ से हो रहा है, गुरु जब यहाँ भी आ जाएगा तो भी आपका भाव सिद्धि होने का चांस है, विवाह का योग अगले साल बन रहा है। लेकिन जब जो आपका नौकरी है वो आपका 25 के बाद में बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें हैं तो गवर्नमेंट जॉब में सूर्य मंगल बुध भाग्य का तो सपोर्ट दिखाई पड़ता है, लग्न का सपोर्ट दिखाई पड़ता है, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं नजर आ रही है। परंतु मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप व्यापार कीजिए, आप व्यापार बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें और ज्यादा निखार आपका आ जाएगा। देखिए महाधन योग कितने प्रकार से लगा हुआ है, धन भाव का मालिक होकर के और एकादश का मालिक होकर के सूर्य मंगल साथ में बैठा है, ये पहला महाधन योग हो गया। सप्तम भाव एकादश भाव जाकर के भाग्य भाव में ज्यादा बल जा रहा है। इस जातिका को आप जितना हो सके पूजा पाठ में लगाइए, जितना पूजा पाठ करेंगे भाग्य उत्तरोत्तर एक कदम आगे चलने वाला हो जाएगा इनका भाग्य, और ये आध्यात्मिक भी होंगे। तुला लग्न वाले ऐसे आध्यात्मिक नहीं होते, परंतु गुरु शनि का युति बन जाए तो अध्यात्म को जोड़ते हैं, अपने कर्म में अध्यात्म लाने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा लग्न में है, जातिका सुंदर होनी चाहिए, जातिका सुंदर होगी, चंद्रमा अगर लग्न में है शुक्र के साथ परिवर्तन है, दिखने में वो अट्रैक्टिव हो सकती है, और सोचने वाला गुण हो सकता है, शुभ्र गुण हो सकता है इनका। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इनका दिखाई पड़ता है, ये भी देख रहे हैं हम, परंतु उतना नहीं, झगड़ा झंझट तो हर परिवार में होता ही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमने बताया कि आपको 2025 के बाद से ही जॉब लगेगा, और उस विवाह के बाद में ही जॉब
लगने का चांस ज्यादा है। उपाय आपको क्या करना चाहिए, यहां उपाय हम लिख देते हैं, शुक्र ज्यादा पीड़ित है, शुक्र को बलवान कीजिए। शुक्र को बलवान करने का तरीका, माता रानी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा कीजिए, सफेद वस्त्र पहनिए, सफेद वस्तुओं का दान कीजिए। ये एक ही पूजा आपको सब कुछ देने वाला बन जाएगा, ऐसा हम कुंडली कह रही है। तो चलिए, ये तो हो गया इनका प्रश्न। अब चौथे कुंडली की तरफ हम लोग बात करते हैं, चौथे कुंडली की। चौथे कुंडली में नरेंद्र कुमार जी का हमने कुंडली लिया है, और जिनका जन्म तारीख 10/11/75, जन्म समय 12:35 दोपहर को, और जन्म स्थान इनका नसीराबाद राजस्थान। प्रश्न इन्होंने लिखा था कि 2020 से नो बिजनेस और नो जॉब, ऐसा इन्होंने प्रश्न डाला है। चलिए कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। सोमवार के दिन ये जन्म लेते हैं मकर राशि श्रावण नक्षत्र में, देवगण के हैं ये। मकर लग्न की कुंडली और मकर राशि, मकर लग्न के लोग बहुत कर्मठ होते हैं, इनके मन में हमेशा काम सूझता रहता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, खाली ना बैठूं, ऐसा है। परंतु चंद्रमा लग्न में है, और लग्न में चंद्रमा उसको शनि देख रहा है। अब देखिए, शनि चंद्रमा को अगर देख ले तो आप कल्पनाओं में जाना और निगेटिविटी में जाना चालू कर देते हैं। जब भी कुछ काम करना चाहेंगे आप निगेटिविटी में जाना चालू कर देंगे। कर्मठ भी होते हैं परंतु जल्दी आलसी भी हो जाते हैं। यहाँ देखिए, चंद्रमा बैठा है लग्न में और लग्नेश शनि बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में, मतलब दोनों एक दूसरे आपस में राजयोग बना के रखे। राजयोग कहा जाए मतलब आपस में परिवर्तन राजयोग जिसको बोलते हैं। ऐसे लोग जिनका जिनका सप्तम हाउस और लग्न इन दोनों का इंटरचेंज होता है, दोनों का एक दूसरे में परिवर्तन होता है, तो ऐसे लोगों को पत्नी का सहयोग लेना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पत्नी के सहयोग से आपका व्यापार आपका कारोबार बढ़ना चालू हो जाएगा। गुरु की दृष्टि पत्नी के घर पर है, शनि पर दृष्टि दे रहे हैं। गुरु की महादशा आपको 2020 तक चली हुई है, 6/7/2020 तक से, उसके बाद आप शनि की महादशा में आ गए हैं। 2020 के बाद में शनि की महादशा, कोई भी ग्रह का अंतर, जैसे कि शनि में शनि का अंतर, वो अच्छा नहीं जाता। यहाँ पर देखिए, आपका सपोर्टिव प्लैनेट, आपका लग्नेश, आपका धनेश, ये एक्टिव हो चुका है 2020 से, 6/7/2020 से ये एक्टिव हो चुका है। अब देखिए, जब धनेश धन भाव का मालिक एक्टिव है, लग्न का मालिक एक्टिव है, तो आपको अभी जॉब या बिजनेस क्यों नहीं मिला? सर्वप्रथम आप दृष्टि डालिए, आप मकर राशि के हैं। वर्तमान में मकर राशि को 7.5 शनि का अंतिम 2.5 साल का जो अंतिम चरण है वो चल रहा है, मतलब अभी 2 साल जनवरी से लेकर के अभी, मतलब 2.5 साल आप गिन लीजिए, 2.5 साल आपका बचा हुआ है। जाते जाते शनि आपको दे करके जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, और शनि की महादशा है। आपका 10/7/2023 के बाद में, 10/7/2023 के बाद में ये शनि में बुध का अंतर चलना शुरू हुआ है। यहां ये शनि में बुध, और देखिए बुध आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है, क्या ये भाग्य भाग्येश बुध है? भाग्य भाव का मालिक बुध कर्म में बैठा, कर्म भाव का मालिक शुक्र भाग्य में बैठा, धर्म कर्माधिपति योग बोलते हैं इसको। जितना आप धर्म कर्म करेंगे, जितना पूजा पाठ वाला काम करेंगे, पूजा पाठ से जुड़ेंगे, उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहां 3 ग्रह बैठे, सूर्य बुध राहु यहाँ दशम में कारक होते हैं। आप चाहे बिजनेस करें जॉब करें, दोनों आप कर सकते हैं, दोनों में सपोर्ट मिल जाएगा आपको। आपका आपका योग चालू है 10/7/2023 से, शनि में बुध अंतर चालू है, ये व्यापार भी कराता है, और आप जॉब भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। जो आप पुराना व्यापार या जॉब कर रहे थे, व्यापार के क्षेत्र में अचानक से परिवर्तन की बात हम नहीं कहते, क्योंकि कुंडली में जो आपके माइंड में आता है व्यापार करने का, वही व्यापार आपको करना चाहिए। वो दशा के हिसाब से व्यापार नहीं चल पाता, लेकिन वही दशा आते ही वही व्यापार चलने लग जाता है। यहाँ पर गुरु सपोर्ट कर रहा है, गुरु शनि की दृष्टि है, और शनि आपका जो एक्टिव हुआ है, इधर से आपका अब व्यापार बढ़ने लगेगा, आपका धन बढ़ने लगेगा, ये हम कहेंगे। ठीक है, आप हार बस मत मानिएगा, क्यों? क्योंकि गुरु यहां पर बैठा हुआ है अपने ही घर में, आप प्रयत्न करेंगे। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि जब पड़ जाती है, तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ने से क्या होता है, शनि जल्दी से निराशा, जल्दी से डिमोटिवेट करना चालू कर देता है, निराशा देता है। और अभी 7.5 शनि जब जैसे ही निकल जाएगा, वैसे ही आपके कहा जाए तो आप
आपके अच्छे दिन चालू हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? उपाय देवी आराधना और गणपति आराधना करना चाहिए आपको। देवी आराधना और गणपति आराधना बहुत फलेगा, ये आपको करना चाहिए। तो ये रहा हमारा कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम। हम आपको बोलते हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम अवश्य लिखिए, आईडी आप लिख देते हैं, नाम अवश्य लिखिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम ये अवश्य लिखिए, प्रश्न लिखिए। कई लोगों ने वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया तो टाइम नहीं लिखा है, डेट ऑफ बर्थ टाइम लिख दिया तो वहाँ पर कोई प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे में मैं विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा चीज, मेरे को काम बहुत सारे रहते हैं और मैं पहले ही बताया हूँ कि मेन काम मेरा क्या है, मेरा मेन काम है कथा करना, पूजा पाठ कराना, भागवत प्रवचन करना, 18 पुराण का प्रवचन करना, राम कथा करना, ये ज़्यादा मेन काम है। ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम मैं लाया हूँ, वो ज्योतिष का कार्यक्रम आम जनमानस जो पीड़ा से ग्रसित है, जो वर्तमान में वो पीड़ित है, वो जो चल रहा है उससे वो उनको लाभ मिले। हाँ, मैं जानता हूँ कि फ्री में कोई भी चीज़ करना नहीं चाहिए, गुरु ग्रह खराब हो जाता है। गुरु ग्रह जहाँ खराब हो, गुरु पांच चीज़ों का कारक है, वो पांच चीज़ों को वो कम कर देता है। अगर आप ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देते, उचित दक्षिणा आप नहीं देते, तो ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, ये मैं जानता हूँ, परंतु जनहितार्थ के लिए मैं ये कार्यक्रम लाया हूँ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। मैं तो आपको कुंडली फ्री में मैं सातों दिन देख लूँ, परंतु मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक, मैं 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाते तो शायद 1000 सब्सक्राइबर में लाइव आ सकते हैं, लेकिन वो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तभी। तो अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं तो अच्छी बात है, लाइव आकर के मैं सीधा 2 घंटे का कार्यक्रम ही रख दूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कुंडली मेरे को देखने को मिल जाएगा उस समय। अभी तक के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे का कार्यक्रम में और हम कुंडली विश्लेषण करेंगे। ज्योतिष का कार्यक्रम आप देखते रहिए, सनातन धर्म से प्रश्न आप पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, जय माता रानी।